तेरा साथ है कितना प्यारा, काम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन से हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। आई लव यू, आप बहुत अच्छे हैं, हर किसी को आप जैसा जीवन साथी मिले जी। आप देखे अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, जहाँ मेरे साथ एक बड़े मज़े की कहानी है कि घर की मालकिन में जो कि बैरियर टाउन में रहती थी, इन्होंने अपने मुलाज़म से मोहब्बत की शादी कर ली। जी हाँ, कैसे एक घर की मालकिन एक मुलाज़म पे फिदा हो गई और उस पर मोहब्बत हो गई, इसे वो इनसे जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाज़िया है। नाज़िया है। आपका नाम क्या है जी? जी मेरा नाम सुफियान महमूद है जी। सुफियान महमूद है। तो मुझे ये बताएं कि आपको एक मुलाज़म से कैसे मोहब्बत हुई और आप कहाँ रहती हैं? मैं बैरिया टाउन में रहती थी। अच्छा। और मैं घर में अकेली रहती थी। अच्छा। मेरा कोई भी नहीं है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मुझे कोई भी चीज़ लेने जाती थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं घर में किसी को रख लेती हूँ, मतलब मुलाजम रख लेती। हाँ जी, मुलाजम रख लेती हूँ। तो जब मैंने लोगों से पूछा गिछा कि कोई भी एतबार वाला इंसान मिल जाए, आपको तो पता है ना कि इधर हमारे मुल्क में ना एतबारे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने सोचा, तो फिर लोगों से पूछा तो लोगों ने मुझे बताया कि सुफियान जो है ना ये बहुत अच्छा है, तो ये आपने घर में ना तुम रख लो, मुलाजम रख लो इसको, तो जो जो भी तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो तुम्हें ना ये ला के दे करेंगे। तो मैं जब मैं इनसे मिली तो मैंने इनसे बातचीत की, मैंने कहा कि मैं अकेली घर में रहती हूँ, कि मैंने दूसरों से पूछा है तो वो मुझे कहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो चलो इसलिए मैंने ना आप लोगों पर यकीन करके तो आपको रख लिया है, तो अब ना आपने मेरी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो पूरी करनी है। तो आपका घर में और कोई नहीं था? नहीं, मेरे घर में और कोई नहीं था। माँ बाप? माँ बाप नहीं है, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। तो आप बैरिया टाउन में अपना जो अपना फैमिली का घर है ये वही था? जी बस वही था। अच्छा, तो आपने इनको जब मुलाजम रखा कितनी तनख्वाह पे रखा? मैंने इनको 18,000 रुपये रखा, ये नहीं थे मान रहे, तो मैंने इनसे सारी बात बताई, तो फिर ये ना जिनके कहने पर ये आए थे, फिर उनकी बात इन्होंने मान ली, तो मुझे कहा कि ठीक है मैं इतने आप दे दिया करें, तो फिर ठीक है आपको जी 18,000 रुपये इन्होंने मुलाजम रखा। तो आपको ये यकीन था कि एक मतलब मालकन के घर में और मालकन को मुझसे मोहब्बत हो जाएगी? जी यकीनन, तो मुझे यकीन नहीं था, तो ये तो अचानक हो गया, मेरे तो रूह को भी नहीं पता था। मैं तो यकीन करें कि 18,000 तनख्वाह पे सिर्फ एक मुलाज़म के तौर पे आया था, मैंने कहा चलो कोई घर के काम का आ जाए तो यहीं पे कर लेंगे, तो यहाँ पे जब आया तो इनके पास रहने लगा, तो रात दिन यहीं पे रहता था, तो बस उसके बाद मोहब्बत हो गई। मोहब्बत पहले आपको हुई या इनको? नहीं, पहले मुझे हुई कि इनकी ना आते बहुत अच्छी थी, जब मैंने देखा कि ये बहुत अच्छे इंसान है, तो ये अच्छी नज़र से देखते हैं किसी को भी, मेरे मसाई वगैरह जो है ना किसी को भी बुरी नज़र से नहीं देखते, मेरे साथ भी जब इनका वक्त गुजरा तो मैंने देखा कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है, तो किसी की शक्ल नहीं देखनी चाहिए, किसी की सूरत भी नहीं, तो जो इंसान के अंदर इंसान होता है खूबसूरत, इंसान को चाहिए कि उसको पहचानना। आप तो किसी से भी शादी कर सकती थी, कोई अमीर से, बैरिया टाउन से, क्योंकि बैरिया टाउन में घर होना यकीनन आप गुजरात की हैं, पंजाब की हैं, लेकिन आप फिर भी जो है, क्योंकि आपका लहजा भी बताता है पंजाब से, लेकिन फिर भी आप किसी अमीर से भी कर सकती थी, एक मुलाजम पर आपको क्यों तरस आ गया? जी ये आप ठीक कह रहे हैं कि मैं किसी से भी शादी कर सकती थी, तो बहुत लोगों ने मुझे ऑफ़र भी दी, तो लेकिन मैंने देखा कि वो लोग नहीं, मुझे नहीं पसंद आए, उनकी आदतें भी अच्छी नहीं थी, मैंने सोचा पता नहीं कैसे लोग होंगे, जब मैंने इनको खुद अपनी आंखों से देखा कि ये अच्छे इंसान है, जब मेरा वक्त इनके साथ गुजरा तो मैंने इनको पहचान लिया कि ये हकीकत में अच्छे इंसान है, तो इसलिए इनकी आदतें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, तो इसलिए मैंने इनसे शादी की। आप जैसे लोग बहुत पूछते हैं कि इस इंसान में और तुम में तो बहुत फ़र्क है, तो तुमने इससे क्यों शादी की, दुनिया में और भी तो लोग बहुत सारे थे, तो उनमें से किसी के साथ कर लेनी थी, लेकिन नहीं, पता क्या, जो भी अच्छा लगता है वो चाहे कोई अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है,
या कोई उम्र में बड़ा है छोटा है, जो प्यार होता है मोहब्बत होती है तो वो नहीं, किसी अमीर को भी नहीं देखती, किसी गरीब को भी नहीं देखती, तो ना ही किसी की शक्ल देखती है, ना ही किसी का गोरा रंग और काला रंग, बस ना वो किसी से भी हो जाती है। जाती है बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपने इनको पहली बार, ये तो घर में काम करने आया बेचारा, इसने कहा काम करते हैं, लेकिन जब आपने पहली बार प्रपोज़ किया बिल्कुल इनके तोते उड़े होंगे मुझे पता है, लेकिन आपने इनको क्या लफ्ज़ कहे सबसे पहले, क्या अल्फाज थे आपके? पहले कहा कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, फिर मैंने कहा कि आई लव यू, तो ये तो पहले तो बेहोश हो गया ना सुन के ये। अच्छा तो फिर मैंने कहा कि पता नहीं शायद इन्हें क्या हो चुका है, तो जैसी माशाल्लाह साथ इनकी सेहत भी है तो इनको कोई टीका शीका इंजेक्शन लगा? नहीं बच गए थे जी, कोई नहीं लगा उस दिन, सिर्फ वो बैरी टाउन की रोडों पे दौड़े हैं शाम को ना, तो जी तो पता नहीं शाम को क्या करते रहे, शाम को नहीं मैंने इनको देखा तो, लेकिन जो मेरे सामने हुआ वो मैं बता रही हूँ। तो ये जो जब मैंने इनको ऑफर की ना तो ये बेहोश हो गए सुन के। ऐसे आपने जब होश में आए, जब आप दुनिया में वापस आए तो आपने इनको क्या जवाब दिया? जी मैंने तो उनसे कह दिया कि आई लव यू टू। और फिर आपने क्या शुक्र किया ना कि कोई मुझे मिला, इनको पता नहीं मुझे शायद जिंदगी में पूरी में कोई मिले ना, तो आप भी कैसी बातें कर रहे हैं कि इन्होंने तो पता नहीं, कहते हैं कि जितना भी ये अल्लाह का शुक्र करते उतना ही थोड़ा है। नहीं आपको भी अच्छा इंसान मिला, आप भी ये बहुत अच्छे हैं कोई शक नहीं है इस, तो आपने कभी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, मेरा साथ देते हैं, जब भी मुझे बुखार हो जाता है तो मुझे दवाई ला के देते हैं और मेरा सर भी दबाते हैं, तो कुकिंग का भी काम कर लेते हैं। तो सारे इन्होंने मामला जी यार सारे करते हैं, सारे काम इन्होंने ही करने। तो अब मुझे सबसे बड़ी हॉबी है इनकी कि मेरी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और मेरे साथ ना काम भी करते हैं, जो भी मुझसे नहीं होता तो ये करते हैं। चले माशाल्लाह अल्लाह करे आपकी जिंदगी ऐसे ही आप हंसते मुस्कुराते रहे। आपने दौलत नहीं देखी, हालांकि आपका घर था, जो भी आपका काम भी, आपने ना आपने घर, अब अपना घर इनके नाम तो नहीं कर दिया? नहीं अभी नहीं किया। कर सकती हैं अगर वो बिल्कुल कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। अच्छा? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। तो कितनी मोहब्बत करती हैं इनसे? इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ कि आपको बता नहीं सकती कि ये इतने अच्छे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अच्छा जी आप बताएं, मांगे हर चीज़ मुझे ला के देते हैं, लेकिन फिर ये किसी का अच्छा पानी होता है ना कि कहने से पहले ही उसको हर चीज़ मिल जाए। सही बात है। तो आप बताएं आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं? तो मैं तो अपने आप से ज़्यादा इनसे मोहब्बत करता हूँ। अच्छा? क्योंकि आपके मेरे ख्याल में टॉम क्रूज यही हैं जी। टॉम क्रूज कौन है आपके? यही हैं आपके। आपके आर्नल्ड कौन है? आर्नल्ड जो हॉलीवुड का हीरो है यही है। आपके चलें बॉलीवुड पे आते हैं, शाहरुख खान कौन है आपके? यही है मेरे शाहरुख खान। आपके सलमान खान? सलमान खान भी यही है, लेकिन वो बॉडी थोड़ी सी कम। हाँ, नहीं वो बात ठीक है आपकी, बॉडी कम है, लेकिन है कि मेरे मैं तो इनको ही मानती हूँ ना। बात तो आपके हीरो यार किया जी, मेरे हीरो जी हैं। और आपकी आप हंसी मजाक करें या जो भी कहे, और भी लोग हीरो आपके यही हैं। तो आपकी जो है वो कैटरीना कैफ कौन सी? जी मेरी कैटरीना कैफ भी यही है, और जो कुछ भी है ना मेरे लिए तो सिर्फ यही है, जो यही समझे कि मेरी हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी भी यही है। चलें जी मेरी दुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आपने कभी आपस में, क्योंकि मोहब्बत है शादी तो रोमांटिक भी होते होंगे, तो आप इनको कभी गाना सुनाया? सुनाती रहती हूँ जब कहते हैं तभी सुनाती हूँ, क्योंकि लगता है कि आवाज़ नहीं अच्छी इसलिए ज़्यादा गाना नहीं सुनाती, कभी कभी जब ये कहें तो फिर सुनाती हूँ। तो ज़रा इनको कहें सुनाएं गाना, आप बोलें जी आप कोई गाना अच्छा अच्छा सुना देना, वही वाला जो आपके प्यार में जी। चलो बात तो अच्छी नहीं है, चलो आप चलो ये कह रहे हैं तो चलो सुना देती हूँ। तुम्हारा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन से हमें आना पड़ेगा। दोबारा गाएं गा के, जैसे अभी एंड पे गाया ना वैसे शुरू से गाएं। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन से हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। क्या बात, आपकी तो आवाज़ अच्छी है, आप कह रही इतनी अच्छी इतनी अच्छी। तो आप बताएं आपका भी गाना अंदर से निकलता है जी? कोशिश क्या, रगों में फंस तो नहीं जाता? नहीं नहीं फंस नहीं जाता, अक्सर मैं कोई ना कोई सुना के बताएं।
जी नसीब साढ़े लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल, नसीब साढ़े लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। जी ये इतना ही आता मुझे, नसीब साढ़े लिखे कच्ची पेंसिल नाल। क्या बात है, मेरे ख्याल में ये पक्की पेंसिल से लिखे हैं आपके, मुझे तो ये भी लगा क्योंकि पक्के हो गए आपके नसीब। तो पक्के हो गए ना, बहुत पक्के हो गए अब पहले पक्के। तो मुझे आप बताएं कि जिंदगी में बहुत से लोग शादियां करते हैं तो वो देखते हैं कि पैसा होना चाहिए अगले के पास, दौलत होना चाहिए, तो उनको क्या मैसेज देंगी? नहीं, मैं तो उनको यही कहूँगी कि नहीं, पैसा पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि पैसे से तो हर चीज़ मिल जाती है लेकिन पैसे से इंसान नहीं मिलता। तो इंसान देखना चाहिए कि हमारा ख्याल कितना रखता है, हमसे कोई सच्ची मोहब्बत कितनी करता है, और देखें हमारी इज्जत कितनी करता है। कल से अब इस बात में किस, आपका अखलाक अच्छा हो तो आपको दुनिया में सब चीज़ मिल जाती है। जी, अब देखें इनका अखलाक कितना अच्छा था तो इनको आप मिले। जी बिल्कुल, दम दरूद तो नहीं की थे? नहीं नहीं, कोई दम दरूद हमने नहीं किया। हम क्या दम दरूद कि दुनिया में आजकल लोग गोरा रंग देखते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरती देखते हैं, तो जो भी मुझे मोहल्ले में या कोई भी मिलता है तो कहते हैं कि आप क्या लगते हैं, मैं इनको बताती हूँ कि ये मेरे हस्बैंड है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं किसी, तू कहाँ से आई है, किधर से आई है, तो किसने तुम्हारा रिश्ता कराया? तो जब मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं मैंने खुद इनको पसंद किया है तो ये बहुत अच्छे हैं, तो किसी का रंग नहीं देखना चाहिए, शायद कोई गोरे रंग वाला होता तो वो मेरी तरफ देखता भी ना, वो और दुनिया को करता मारता ये तो आपको टपटा मार मार के क्या मारता पीटता शक्ल भी बिगाड़ देता, मार मार के भूखा रखता, कोई चीज भी ना ला के देता, तो फिर मैंने उसके गोरे रंग को और क्या करना था, या वो पैसे वाला होता तो वो बाहर यश पुना करता, बाहर की तरफ देखता, तो उस इंसान प्यार करना चाहिए जो तुमसे प्यार करता है। बिल्कुल, जो तुमसे प्यार करता है उससे प्यार करना चाहिए। तो माशाल्लाह इनकी मोहब्बत आपस में इतना आप देख सकते हैं कितनी मोहब्बत करती हैं, और सोने के कड़े ऐसे ही नहीं पहने हुए। तो ये मुझे बताएं कि नाज़रीन ये देखें कितना मेरी दुआ है कि इन दोनों की ज़िंदगी ऐसे ही चले और आपस में खुश रहें, बुरी नज़र से बचें। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि शक्ल का खूबसूरत होना कोई बड़ी बात नहीं, दिल का खूबसूरत होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये थी मेरे साथ नाज़िया और इनके जो सुफियान साहब हैं, इनकी स्टोरी आपने जानी कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि ये एक घर की मालकिन, उन्होंने मुलाजम रखा था 18,000 रुपये में, उसी मुलाजम को दिल दे बैठी, और दिल देने के बाद जो है अपनी जो है हर चीज़ कहती है मैं नाम भी कर सकती हूँ, घर भी नाम कर सकती हूँ, तो इनकी तो लॉटरी ज़रूर निकली। लेकिन आपसे मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है और आप चाहते हैं हम आपकी आवाज़ बने, तो हमारे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी स्टोरी भी लाजमी कवर करेंगे। इससे क्या होगा, अब मैं इनकी स्टोरी कवर की है, इनका चैनल का लिंक भी अपने कमेंट में भी पिन कर रहा हूँ, और साथ में लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, उसमें जाके इनका चैनल भी देखें, जिसका नाम क्या है जी चैनल का? आपने मालकन और नौकर, मालकन और नौकर। तो मुझे ये बताएं कि इस चैनल पे आप जाएं, लिंक कमेंट में पिन किया, अब देखना है इसके बाद इनका चैनल भी चलेगा। तो आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी ऐसे ही कवर हो, आपका चैनल भी चले, तो आप हमें भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर कहूँगा इनके चैनल पे लाजमी जाएं, और इनकी डेली रूटीन के कैसे ये बैरियर टाउन में दाखिल हो रही हैं, कैसे ये बैरियर टाउन में दाखिल हो रही हैं, कैसे ये अभी भी इनके लिए कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग अभी करते हैं आपके लिए? जी। क्या बनाते हैं आपके लिए? मेरे लिए बनाते हैं हैली पुलाव? नहीं नहीं, हैली पुलाव नहीं, सचमुच के पुलाव बनाते हैं। हाँ। और साथ में कभी कभी बिरयानी भी बनाते हैं, और जो गोश्त है वो भी बना, कढ़ाई चाय भी पिलाते हैं आपको? हाँ, चाय। एक दिन इन्होंने ना मुझे ना, मैंने इनसे कहा कि मुझे ना चाय बना के ला दे, मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो इन्होंने क्या किया आपको भी मैं हंसने वाली बात सुना, तो फ्रिज में ना साथ में लस्सी पड़ी थी और साथ में दूध पड़ा था, इन्होंने देखा नहीं, ये मोबाइल देख रहे थे, इन्होंने लस्सी की चाय मुझे पिला दी, तो फिर ना मैं इंतज़ार करती रही, जब मैं गई तो ये भाग गए किचन से, भाग गए वो चाय लस्सी वाली बना के ना उधर ही छोड़ के, तो घर में भी घर से भी भाग गए। फिर मैंने फ़ोन करती रही कि कहाँ आए, कहे मैं आपसे ना डर के भाग गया हूँ, वो लस्सी की मैंने ना लस्सी की चाय बना। अब जो भी मैं इनसे कोई काम कहती हूँ ना, तो मुझे ना डर लगता है कहीं ये पता नहीं किस चीज़ की मुझे क्या बना दे किसी भी चीज़ की। फिलहाल मुझे नाज़िया जो कि एक मालकिन हैं और उनके अपने मुलाजम अब इनके मालिक बन चुके हैं, उनको इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।